वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, इसमें आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आईटीआई आपको किस ट्रेड में होना है वीडियो पूरी देखें, डिप्लोमा आपको किस ट्रेड में होना है वीडियो पूरी देखें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस नौकरी को लेकर वो क्लियर हो जाए। वैसे ये नौकरी जो है बहुत ही अच्छी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको ज्वाइन जरूर करना। बढ़ते हैं प्रॉपर जानकारी की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यह एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आईटीआई से रिलेटेड कोर्सेज आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। और इस ऐप पे अगर मेरा आप नाम सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी और कोर्सेज जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे। और अगर आप मुझे यहाँ पर कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर भी मैं इजीली दे दूंगा। बढ़ते हैं प्रॉपर जानकारी की और इसके नोटिफिकेशन की ओर, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। तो भाई एनटीपीसी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ना हो। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसका मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे मौके जो है बार बार नहीं आते हैं। एक एक साल में ऐसी वैकेंसीज आती है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो ऐसे अवसर आपके सामने आते हैं ना, तो ये मौका आप मत छोड़ा करो। तो आप इसे ये मत समझना कि अप्रेंटिसशिप है, ये नौकरी है आपकी, पक्की नौकरी है। कहीं आप सोचे कि अप्रेंटिसशिप है थोड़े समय बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो वो मत समझना, ये नौकरी है। अब इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस लेवल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको पहली बता दूं, इसमें भारत के आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पोस्टिंग होने के चांस है भाई उड़ीसा में। उड़ीसा में आपके पोस्टिंग होने के चांस हैं। और अगर जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस है। वैसे यहाँ पर आपका टेस्ट होगा रिटर्न, जो स्टेज वन और टू में जो है आपसे लिया जाएगा। तो अगर वो आप क्रैक करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपका उसमें नाम आता है देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द डिपार्टमेंट। इसी की तरह एक NPCIL में IEL में नौकरी निकली थी। इसके अलावा ONGC डिपार्टमेंट हो गया, IOCL डिपार्टमेंट हो गया, इसमें जो है इस तरीके की सेम नौकरियाँ निकलती रहती है। तो पहले जो है मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, फिर ITI के बारे में बताऊँगा। तो डिप्लोमा में आपका जो है यहाँ पर मैकेनिकल की 28, इलेक्ट्रिकल की 15, CNI की 10 और सिविल की 2 पोस्ट है। और ITI के लिए फिटर की 22, ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है यहाँ पर 12 है, ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 8 है, और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की यहाँ पर 6 पोस्ट है, और एक और है यहाँ पर असिस्टेंट जिसमें मटेरियल और स्टोर कीपर है, वो 4 पोस्ट है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग और आपका एम्यूलुमेंट्स, जो आपको काइंड ऑफ सैलरी जो है आप समझें इसको, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ये। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की आपको जो है ट्रेनिंग पहले लेने पड़ेगी एट एनी वन ऑफ द NTPC प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, और आपको जब तक अमाउंट पे किया जाएगा 15,500 रुपये पर मंथ, और ड्यू फॉर आपका जो है रिविज़न विद इफेक्टिव 1/1/17 से। तो ये तो हो गई आपकी डिप्लोमा वाली बात। अगर जो है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पे स्केल यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच सकता है। तो 3% का आई थिंक पहले आपको इन्हेंसमेंट देंगे, और फिर धीरे धीरे करके आपकी सैलरी इतनी कर देंगे। तो अच्छी सैलरी होती है इस डिपार्टमेंट में। ऐसे ही NPCIL डिपार्टमेंट है, ONGC है, तो इसमें भी धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अगर हम ITI की बात करें तो ITI के लिए भी आपको 2 साल की ट्रेनिंग जो है पहले लेने पड़ेगी। 11,500 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, 2 साल की आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, और फिर डिपार्टमेंट जो है आपको पक्का कर देगा। और जो है यहाँ पर 26,000 तक आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है मैक्सिमम 2 साल के बाद। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज जो है इसमें, अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 से और मैक्सिमम 25 साल तक होने चाहिए, आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप जो है किसी इन प्रोजेक्ट से, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ITI टेनिस की, लैब असिस्टेंट की, केमिस्ट्री वाला,
ट्रेनीज असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर वाला, तो इसमें जो है आपकी एज 18 से 27 साल इन्होंने रखी हुई है। तो यही सीन, अगर आप इस प्रोजेक्ट से हैं तो आपको यहाँ पर एज में इतना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन में अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं पहले, तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन्होंने मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 70% मार्क्स। अगर आपके 70 से कम है तो भूल जाइए कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मैकेनिकल में की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा 70% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद CNI की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन भी चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 70% मार्क्स आपका होना चाहिए। सिविल की बात करें, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो आपका यहाँ पर 70% मार्क्स आपके मिनिमम हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट को वेयर वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड, उनके लिए पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और रिलैक्सेशन 4 जो आपका यहाँ पर डरली पल्ली प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड से है तो उनको 50% पे भी यहाँ पर चांस दिया जाएगा, अगर उनकी परसेंटेज इतनी कम है तो। और भाई ITI वाले बच्चों के लिए यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया आई डोंट थिंक कि इन्होंने रखा हुआ है, तो अगर आपकी 50% से कम है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर देना। और भाई इन्होंने नोटिफिकेशन पे कहीं पे भी बता नहीं रखा है कि फ़ी का क्राइटेरिया क्या है, तो अगर मुझे पता चलता है कि फॉर्म में इतनी फ़ी लगेगी जनरल और OBC और SC ST वालों के लिए, तो वो मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं क्वेश्चंस की जो है आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, या जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब मैं आपके लिए लाइव आऊँगा तो इसके जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके जवाब जो है आपको लाइव स्ट्रीम में दे दूंगा। अब ITI की बात करें तो ITI में ये कैटेगरीज आप देख ही सकते हैं, इसमें आपको जो है यहाँ पर अगर बात करूँ ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है तो आज जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी नौकरी आ गई। इसमें आपको बस 10वीं पास होना है, वो भी फुल टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं चलेगा। आपका अगर ITI यहाँ पर NCVT SCVT दोनों में से किसी में भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ITI जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसमें क्लियर होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर BSc विद केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री मत भी सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल भी चलेगा और अप्लाइड केमिस्ट्री भी चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ असिस्टेंट मटीरियल स्टोर कीपर ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर जो है आपका NCVT इन स्टोर कीपिंग प्लस आपका इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, 150 की स्टॉक्स पर मिनट्स आपके जो है यहाँ पर होने चाहिए, तो यहाँ पर तभी आपको हायर किया जाएगा। और बाकी अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं है तो ये वाला नीचे वाला क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, नीचे बढ़ते हैं। तो भाई ये नीचे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है कि कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। बात करें तो यहाँ पर आपका Stage 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, Stage 2 में भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप ये मत समझना कि अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं और ये भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्लियर करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका प्रॉपर तरीके से नंबर अच्छे हैं, आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप जो है ये देख लेना कि इसमें क्या क्या, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहली बता दूँ, इनमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो स्टेज ऑनलाइन टेस्ट जो फर्स्ट वाला, इसमें आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 120 मल्टीपल जो क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग विल बी कंडक्टेड, ये आपकी जो है आएगी एग्जाम में। और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन होगी। और ईच क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा, और 0.25 मार्क्स आपकी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है ईच क्वेश्चन की। और अगर आप जनरल से हैं या फिर आप जो है OBC कैटेगरी से जनरल से हैं तो आपको जो है यहाँ पर 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। और अगर आप जो है यहाँ पर SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं या फिर PWD से हैं तो आपको 30% लाने होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे।
स्टेज टू का आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा ऊपर जैसा ही क्राइटेरिया, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। अगर नहीं समझ आता तो फिर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम जो आपके लिए दूसरे चैनल पर आऊँगा उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। आईटीआई की बात कर रहे थे, तो जो डिप्लोमा के लिए क्राइटेरिया वही आईटीआई के लिए भी है। तो आईटीआई के लिए जो है यहाँ पर एक ही स्टेज में दोनों पार्ट आपके कवर कर लिए जाएंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो इसमें पार्ट वन में आपको बता देता हूँ, पार्ट टू आप पढ़ लेना। देर विल बी सिंगल स्टेज टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 120 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड द टेस्ट विल बी इन टू पार्ट्स, पार्ट वन विल बी नॉलेज टेस्ट एंड विल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द रिलीवेंट डिसिप्लिन एज एडवर्टाइज्ड, और पार्ट टू आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें भी जो है पॉसिबिलिटी कि आपके जो है अपन नेगेटिव मार्किंग हो, तो ध्यान से आप देख लेना इसको 0.25 की। और ये टेस्ट सेंटर से जब आप फॉर्म फिल करेंगे, मैं अभी आपको बता दूंगा कि नोटिफिकेशन और फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। तो टेस्ट के लिए आपको ये सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे, इनमें से कोई सा भी एक सेंटर, जैसे आपका भुवनेश्वर हो गया, कुटैक हो गया, आपका रुरकेला हो गया, और आपका बहरमपुर हो गया, और आपका बालासोर हो गया। तो इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, कहीं से भी अप्लाई करें इनमें से एक सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और भाई जिस स्टेट में ये निकली है वो तो इसका मौका गलती से भी मत छोड़ना। और ये आप जो वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखी है। ये जो है इनका यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए आप देख लें कि इन्होंने जो है यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दे रखा है आईटीआई वालों का, किसके लिए कितनी वैकेंसीज है। और नीचे पीडब्ल्यूडी के लिए पढ़ लेना एक बार। और ये जो है बॉन्ड, भाई देखो ये नौकरी उस लेवल की नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और दो दिन बाद आप छोड़ दें, ऐसी नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप इस कंपनी में लगते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे पैसे भी मांगे, लेकिन वो ऐसा छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है कि आपके पैसे खा जाएगा। तो अगर आप इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको जो है पैसे भरने पड़ेंगे, अगर आप अर्ली छोड़ते हैं, क्योंकि ये आपसे बॉन्ड साइन करवाएंगे। बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितने साल का डिपार्टमेंट आपसे साइन करवा रहा है, आई थिंक 3 या 5 साल का होगा। तो ये आप जो है यहाँ से पढ़ लेना बॉन्ड से रिलेटेड। तो बॉन्ड का क्राइटेरिया वैसे लाइव स्ट्रीम आऊँगा कि होता क्या है एक्चुअल में बॉन्ड, वो आपको समझा दूंगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई के लिए अभी आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डेट्स के बारे में पता चल जाए। इसका फॉर्म कल से स्टार्ट हो गया था 25 तारीख से, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि जब तक मैं प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन खुद गैदर नहीं कर लेता तब तक मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आता, चाहे वो कितने भी समय बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। वैसे आई प्रोमिस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपके छोटे से छोटा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर नहीं हुआ तो भी बता देना, मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा। 24/11/2018 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फर्स्ट स्टेज का, ये आप देख सकते हैं कब आ सकता है, मिड दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ डीईटी, उसमें जो आप देख सकते हैं कब आ सकता है। तो ये जो डेट्स है ना, आप ये मत समझना कि ये डेट जो है आपकी रियल है, ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। सो आई होप कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो ये एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तीसरा लिंक होगा इसका, पहला अनअकैडमी का, दूसरा जो है दूसरे चैनल का मेरा जिस पर मैं लाइव आता हूँ, और तीसरा जो है इसका। इससे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पर आपका होम है, यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, ये है कंप्यूटर आपका जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। अब हिंदी में नोटिफिकेशन चाहिए तो ये देख लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो ये देख लीजिए। और जिस आपको डिसिप्लिन से फॉर्म को अप्लाई करना है इस पर क्लिक करना, अभी दिखा देता हूँ, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, ये जो एरो दिख रहा है डाउन एरो, और यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना कि किससे आपको अप्लाई करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा देना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ताकि उनकी मदद हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आने वाली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, आईटीआई से रिलेटेड नौकरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे गलती से भी मिस ना हो। बस आपको लाल बटन दबाना है और बेल आइकन दबाना है। धन्यवाद।